ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरो चैव नरोत्तमम् देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदेहिरे नश्य प्रायेसु भद्रेशु नित्यं भागवत सेवया भगवते रुतम श्लोके भक्तिर भवते नष्टकी देवकी वासुदेवाय देवकीनंदनायच नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः नमः ब्रह्मणिदेवाय गोब्रह्मणिताय च जगत्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः वंशकल्पतरुर्भ्यश्च कृपासिन्धुभेव च पतितानां पावनेभ्यं वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधरशिवासाधि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम, राम हरे हरे क्रिश्ना। हरे कृष्ण हरे कृष्ण अपरातकालीन श्रीमद्भागवत कक्षा में आए हुए सभी भक्तों का स्वागत है कि आपका बहुमूल्य समय इस प्रकार भागवतम में और भगवान के कथा में लगाया है तो आइए हम लोग इस क्लास का अंतर्गत स्कंद एक अध्याय आठ श्लोक संख्या फोर्टी वन भागवतम का ऊपर चर्चा करेंगे श्लोक स्क्रीन पर दिया गया है आप देखिएगा मेरे पीछे दोहराने का प्रयास करेंगे अथ विश्व विस्मात्मन विस्मृतेश्वेशने पा मीम छिंदे दृढ़ पंडुषु विष्णुसु अथ विश्वस विस्वात्म

वृडम पांडु सु कोई दौड़ाना चाहेगा तो दौड़ाइए अथ विश्वेश विश्वत्व

हे ब्रह्मांड के स्वामी विश्व आत्माना, हे ब्रह्मांड के आत्मा विश्व विश्वमृत हे विश्वरूप केशु, मेरी स्वजनों में मैं मेरे स्नेहपासम, स्नेह के बंधन को इम इस छिंदी काट डालो दृढ़म गहरे पांडुसो पांडुओं के लिए वृष्णियों से वृष्णियों के लिए अतः हे ब्रह्मांड के स्वामी है ब्रह्मांड के आत्मा हे विश्वरूप कृपा करके मेरी स्वजनों पांडवों तथा वृष्टियों के प्रति मेरी स्नेह के बंधन को काट डालिए मेरे पीछे दौड़ेंगे अतः हे ब्रह्मांड के स्वामी हे ब्रह्मांड के आत्मा हे विश्वरूप कृपा करके मेरे स्वजनों पांडुओं तथा वृष्णियों के प्रति मेरे स्नेह के बंधन को काट डालो तात्पर्य शील प्रपाद के द्वारा शील प्रपाद की श्री भगवान का शुद्ध भक्त श्री भगवान से अपने लिए कुछ भी मांगने में लज्जदाता है लज्जदाता है लेकिन गृहस्थों को कभी कभी बाध्य होकर श्री भगवान से कुछ याचना करनी पड़ती है क्योंकि वे पारिवारिक स्नेह की ग्रंथि से बंधे होते हैं श्रीमती कुंती देवी को यह पता था अतएव उन्होंने श्री भगवान से प्रार्थना की कि वे उनके स्वजनों पांडु तथा वृष्णियों के प्रेम पास को काट दे पांडव उनके अपने पुत्र थे और वृष्णि उनके पितृकुल के सदस्य थे भगवान श्री कृष्ण इन दोनों परिवार से समान रूप से संबंधित थे संबंधित थे दोनों ही परिवार को श्री भगवान की सहायता की आवश्यकता थी क्योंकि दोनों ही श्री भगवान के समर्पित भक्त थे श्रीमती कुंती देवी की इच्छा थी कि भगवान श्री कृष्ण उनके पुत्र अर्थात पांडव के साथ रहे लेकिन भगवान श्री कृष्ण का ऐसा करने से कुंती को पितृकुल के लोग इस लाभ से वंचित रह जाते यह सब पक्षपात कुंती के मन को दुख देने वाला था अतः उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि यहाँ स्नेह का बंधन विच्छीर्ण हो जाए शुद्ध भक्त अपने परिवार के सीमित सिम, स्नेह के बंधन को काटकर समस्त विस्तृत आत्माओं के लिए अपने भक्तिमय भा, सेवा का विस्तार करता है इसके जीवंत उदाहरण षड गोस्वामी है जिन्होंने भगवान श्री चैतन्य के पथ का अनुसरण किया वे सभी अत्यंत प्रमृद्ध एवं सुसंस्कृत धनी सर्वण जातियों के थे लेकिन जनसाधारण के कल्याण के लिए वे अपने अपने विश्व विश्रामदायक घर को त्याग कर सन्यासी बन गए समस्त पारिवारिक स्नेह को काटने का अर्थ है कार्य क्षेत्र को विस्तृत करना ऐसा किया बिना कोई ना तो ब्राह्मण बनते हैं कि योग्य हो सकता है ना राजा ना जनता का नेता जनता का नेता ना भगवत भक्त श्री भगवान ने आदर्श राजा के रूप में इसका दृष्टांत प्रस्तुत किया है श्री रामचंद्र ने आदर्श राजा के गुण को प्रकट करने हेतु अपनी प्रिय पत्नी से स्नेह का वंदन छिन्न कर लिया था ब्राह्मण भक्त राजा या जननेता को अपने अपने कर्तव्य पालन में उदार होना चाहिए श्रीमती कुंती देवी इस तथ्य से अवगत थी और अबला होने के कारण उन्होंने पारिवारिक स्नेह के बंधन से मुक्त होने की प्रार्थना की श्री भगवान को विशेष विश्वेश या विश्वात्मा कहकर संबोधित किया गया है जो पारिवारिक प्रेम के कठिन ग्रंथों को काटने में उनके सर्वशक्तिमय क्षमता को बताने वाला है इसलिए कभी कभी ऐसा अनुभव किया जाता है कि निर्बल भक्तों के प्रति विशेष स्नेह के कारण श्री भगवान अपने ऊपर शक्ति वर, अपार शक्ति द्वारा नियोजित परिस्थितियों द्वारा पारिवारिक स्नेह को काट देते हैं ऐसा करके वे भक्तों को अपने ऊपर पूर्ण रूप से आश्रित बन बना कर उसके भगवत धाम वापस जाने का मार्ग साफ कर देते हैं ओम अज्ञानतिमेरांध्य ज्ञानांजन शाकुितमें श्री गुरव नम श्रीचैतन्यमन भ्रीष्ट भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददा स्वपदा शी गुरु श्रीगुरुश्रीयोक्तपदकमलं श्रीगुरोनु वैष्टवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं नितं तं सजीवं सावधीतं सावधितं राधा कृष्ण श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखानितं स नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीन् इति नामिने नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादिपशात् देशतारिणे वंशकल्पतरोर्भ्यस्य कृपाशिन्धुभेव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्टम्बेभ्यो नमो नमः जय श्रीकृष्णचैतन्यप्रभो नित्यानन्द श्री गदाधर शाधि श्री गौर भक्त हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम, राम हरे 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 कृष्ण तो इस क्लास में हम श्रवण कर रहे हैं श्रीमद्भागवतम स्कंद एक अध्याय आठ श्लोक संख्या फोर्टी वन इकतालीस इस अध्याय का शीर्षक है महारानी कुंती द्वारा भगवान कृष्ण को प्रार्थना तथा महाराज परिकित की रक्षा श्रीमद भागवतम में अनेक लोक ने भगवान से स्तुतिया की लेकिन सबसे पहले महारानी कुंती का स्तुति आती है एक स्त्री की स्तुति उन्होंने 26 सिक्स श्लोक में भगवान को स्तुति की कितना श्लोक 26 ये आठ अध्याय का अठारह नंबर श्लोक से लेकर के आगे आएगा 43 श्लोक तक महारानी कुंती 26 श्लोक में भगवान को स्तुतिया करते उसमें कई सारे प्रसिद्ध श्लोक हैं जैसा कृष्ण आयो वासुदेवायो ये श्लोक हमने पढ़ा ये भी महारानी कुंती के द्वारा भगवान से प्रार्थना है तो इस श्लोक में महारानी कुंती भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अथ विश्वेश विश्वात्मा हे ब्रह्मांड का स्वामी हे ब्रह्मांड का आत्मा हे विश्वमूर्ति तीन शब्दों में भगवान को महारानी कुंती प्रार्थना करते हैं कि विश्व ईश्व मतलब ईश्वर आप पूरा ब्रह्मांड का स्वामी है विश्व ईश और विश्व आत्मा है ब्रह्मांड के आत्मे क्योंकि भगवान सबका हृदय में विराजमान होते हैं और कहते हैं विश्वमूर्ति हे विश्व रूप क्योंकि आप देखोगे महाभारत युद्ध में अर्जुन को भगवान ने उनका विश्वरूप दर्शन कराए थे तो इसके लिए उनका नाम भी एक है विश्वरूप तो महारानी कुंती भगवान को तीन शब्द शब्दों में संबोधित करते हैं विश्व विश्वात्मा और विश्वरूप यहाँ पे कहते हैं कृपा करके मेरी स्वजनों पांडवों तथा वृष्यों के प्रति मेरी जो स्नेह है इस बंधन को काट डालिए महारानी कुंती कहती हैं कि मेरा जो स्नेह है पांडवों के प्रति और विष्णु जो विष्णुवंशी है भगवान कृष्ण का वासुदेव का ये सो वंशी है तो दोनों का जो स्नेह है वो काट डालिए अर्थात उनका कहना यह है महारानी कुंती का कि मेरी ससुराल वाले का और मेरी जो पिता के वंशज वाले वो दोनों का स्नेह को काट डले क्योंकि स्त्री का दोनों और स्नेह होता है तो इसके लिए वो कहते हैं कि ये दोनों जो स्नेह है वो आप काट डालिए तो क्यों ऐसा कहते हैं हम लोग तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं हम तो भगवान से संबंध जोड़ने के लिए कहते हैं मेरा परिवार कैसा सुख रहे खुश रहे हम सब आके भगवान से ही प्रार्थना करते हैं ना कि नहीं या कुछ बोलते हैं कि सब मुझे बंधन छोड़ दो मैं अभी स्कन बिवड़ी में सेवा करूंगा ऐसा कोई बोलता है बुलाने पर भी हम लोग नहीं आते लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद मेंशन करते हैं कि जो शुद्ध भक्त होता है वो आपने के लिए कुछ तो मांगता ही नहीं है ठीक है तो यहाँ पे महारानी कुंती हमको सिखा रहे हैं बता रहे हैं हमारा जो संबंध जो देह का संबंध है उससे छुटकारा मिलना चाहिए नहीं तो हमको जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्कर में इस संसार में बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि जन्म मृत्यु जरा व्याधि ऐसा पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम पुनरअपि जननी जठरे शयनम बार बार हमको घूमना पड़ेगा क्यों क्योंकि हम इस शरीर के जितना भी संबंध है उसका प्रति हम लोग आसक्ति है ये आसक्ति का मूल कारण है हम जितना आसक्ति बनाए रखेंगे तो कभी छुटकारा नहीं पाएंगे भले हम काफ़ी समय से मंदिर आते हैं साधुओं का संगति करते हैं सब कुछ करते परंतु अगर छुटकारा पाना है तो भगवान से प्रार्थना करके इस शरीर संबंधी जितना भी कुछ चीज़ है हमको छोड़ना पड़ेगा चाहे वस्तु हो चाहे और भी कोई आसक्ति स्नेह प्रेम इत्यादि को छोड़ना पड़ेगा तभी हम भगवान से संबंध स्थापना कर सकते हैं तो यहाँ पे महारानी कुंती यही बताते हैं कि आप करने में समर्थ हो आप कर सकते हो ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हो क्योंकि आप सारे बंधन को काट सकते हो इसके लिए मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि मेरा भी जो संबंध है वृष्णिवंश और जो पांडव के कौरव वंश जो है उससे मुझे छुटकारा दीजिए तो मान लो भगवान कहेंगे कि मैं भी तो वृष्टिवंशी हूँ है कि नहीं भगवान भी तो वसुदेव का ही पुत्र है ना तो क्या मुझे से भी आसक्ति छुटकारा दे दूं तो आने वाला श्लोक में कुंती महारानी जी वहाँ पे कहते नहीं, नहीं 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 मैं केवल आप ही का ही चरण में रहना चाहता हूँ अन्य और किसी का चरण में नहीं रहना चाहता हूं जो स्नेह है जो बंधन है जो प्रेम है आपका प्रति ही हो और अन्य का प्रति ना हो ये महारानी कुंती का भगवान से प्रार्थना है तो हम सभी भक्तों को भी यही इच्छा होनी चाहिए कि हम भगवान पे ही आश्रित तो हो उनमें ही मन लगे उनका ही ध्यान इत्यादि करनी चाहिए प्रार्थना पूजा पाठ इत्यादि करना चाहिए अगर हम अन्य कोई देवी देवता पे या अन्य किस पे अगर आसक्ति होते हैं ये हमारा बंधन का कारण है इसीलिए सभी भक्तों को बड़ी ध्यानपूर्वक महारानी कुंती का स्तुति को श्रवण करना चाहिए उन्होंने आगे कहीं प्रकार का भगवान से स्तुति की मुझे ये नहीं चाहिए मुझे दुख चाहिए मुझे ये चाहिए परंतु हम लोग यहाँ पे आते हैं सब क्लास के अंत में प्रश्न करता है प्रभु मैं तो आसक्ति बन गया हूँ घर का प्रति मेरा मोह हो गया मैं छूट नहीं पाता हूँ कैसा छुटकारा पाएंगे तो ये उनके लिए एक सीख है कि छुटकारा पाने के लिए भगवान से आपको प्रार्थना करनी चाहिए जब हम भगवान से प्रार्थना करेंगे तो निश्चित तौर पर हम वो बंधन से छूट छूट सकते हैं क्योंकि भगवान सभी कार्यों को करने में समर्थ है वो कर भी सकते हैं तो यहाँ पे प्रपात बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हैं जैसा सड़ग गोस्वामी वृंद के जो सड़गोस्वामी वृंद हैं उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का उनका संकीर्तन आंदोलन में इतना वो लोग पागल हो गए थे तो घर द्वार छोड़ करके उन्होंने चला आए सब सोच रहे थे कि ये लोग थोड़ी दिन के बाद रिटर्न आ जाएंगे परंतु श्रीमान चैतन्य महाप्रभु ने उनका जो शिक्षा है, उनको इतना प्रेरित किया कि सारे संसार को वो छोड़ करके जैसा संन्यास बन गए जैसा प्रभुपाद यहाँ पे मेंशन करते हैं सारे चीज़ को छोड़ दिए उनका पास धन का कोई कमी नहीं था उच्च कुल में जन्म लिए थे और उनका सभी का पास सुसंस्कृति था और उनका पास यहाँ तक के सुंदर स्त्री भी थे परंतु सब कुछ को त्याग करके उन्होंने लोकों का कल्याण के लिए उन्होंने सारे घर बार छोड़ दिए इसके लिए ऐसा वर्णन आता है नाना शास्त्र विचारण को निपुण स्वधर्म संस्थापक लोकानं हितकारिणम त्रिभुवने मान्यो शरण करो राधा कृष्ण पदारविंद भजना नंदे नमतालिको वंदे रूप सनातन ये जो हमारा स्वर्गोस्वामी वृंद है उन्होंने नाना शास्त्र का रचना की क्योंकि लोकानम हित तो कारिणे यहाँ पे प्रभुपाद भी वही कहते हैं जन कल्याण हेतु यहाँ पे संस्था में कोई अगर ब्रह्मचारी होता है या सन्यासी होती है तो उनका एक परिवार छोड़ते हैं परंतु उनका पास सारा विश्व का परिवार बन जाते हैं कितना परिवार बन जाते हैं हम सभी उनका परिवार बन जाते हैं ये जीव का कल्याण हेतु तो ये कार्य करना चाहिए प्रपात यही कहते हैं कि हम सभी को भी अगर ऐसा हुआ कि घर छोड़ के अगर लोगों का कल्याण हो सकता है तो छोड़ छाड़ करके मंदिर में सेवा करनी चाहिए जैसा अनेक उदाहरण है यहां तक के प्रभाजी यहां पे कहते हैं कि ब्राह्मण को भक्तों को राजा को ये सबको क्या करना चाहिए उसमें उदार होनी चाहिए उनका मन में उदार दूसरे के प्रति करुणा का भाव होनी चाहिए दया का भाव होना चाहिए जिस प्रकार हम लोग देखते हैं प्रभुपाद जीवन का में जीवन में भी जब उन्होंने कुछ बिजनेस किए थे तो बिजनेस भी ऐसा हुआ तो ये भी भगवान का ही कृपा है अगर प्रभुपाद इस स्थिति में नहीं होते तो फिर शायद हम लोग यहाँ तक नहीं पहुँच पाते तो ये भगवान की ही करुणा कृपा है और प्रभुपात के जीवन में और भी ऐसा घटना है जैसा उनको पत्नी को पूछा गया कि आपको मुझे चाहिए या चाय चाहिए तो उन्होंने उनका जो पत्नी है रजनी देवी ने कहा कि हसी मजाक में वो मुझे चाय चाहिए ऐसा बता देने थे प्रभुपाद ने घर को छोड़ के चला गया तो प्रभुपाद का इस छोटा सा कार्य में हम सभी का प्रति कितना देखो करुणा है वो अगर नहीं आते तो शायद हम न गीता भागवतम या कोई ग्रंथ का अध्ययन कर सकते या कुछ नहीं तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य यही है जो शुद्ध भक्त होता है वो आपने के लिए कुछ नहीं मांगते हैं वो लोगों का हित के लिए ये सब करते तो कुंती महारानी जी भी यहीं पर यहीं प्रार्थना करते हैं मेरा जो शारीरिक संबंध शारीरिक संबंध अर्थात तो मेरा देहात्मक जो स्नेह है पांडवों के प्रति या विष्णु के प्रति उस स्नेह को काट दीजिए जो बंधन है उसको काट करके केवल आपका चरण में ही मत्ती लगाना है मेरा जो मति है आपके ही चरण कमल में लगे वैसा आप कर दीजिए यहाँ पे ही प्रार्थना करते हैं और भगवान जो भी कुछ करते हैं उसमें भक्तों का हित रहता है इसके लिए भगवान का प्रार्थना में यही आता है जगत हिताय कृष्णाय जगत का हित के लिए ही करते हैं। कुछ अगर कार्य करते हैं तो उसमें जगत का कल्याण होता है जैसे यहाँ पे प्रपथ और भी यहाँ पे बताते हैं कि जैसा नारद मुनि का जीवन चरित्र में भी ऐसा हुआ था कि नारद मुनि कहते हैं कि चतुर्मास का समय पे जब साधु संग आए थे चतुर्मास में नारद मुनि उनका सेवा किए उनका माता के साथ पहले से तो उनका पिता नहीं थे केवल माता बचे थे तो उनका साथ साधुओं का संगत किए तो उनका मन में इच्छा हुई कि मैं भी साधुओं का संगति में चला जाऊं क्योंकि चतुर्मास समाप्त होने पर जब उन्होंने जाने लगे तो उनका मन में भी ऐसा हुआ लेकिन बाद में सोचे कि नहीं वो माता है एक उनको छोड़ करके नहीं जा सकते तो भगवान ने एक व्यवस्था की प्रातः काल जब माता ने गाय से दूध निकाले जाते तो उनको सर्प ने डस लिया ठीक है ना तो फिर नारद मुनि के लिए कोई समस्या नहीं रहा क्योंकि कोई परिवार ऐसा संबंध है ही नहीं था तो उन्होंने फिर आगे चल करके वो नारद मुनि बनते हैं तो कहने का तात्पर्य है तो के प्रभु तो प्रभुपाद भी यही कहते हैं कि अगर आप थोड़ा सा भी अगर हम लोग इच्छा प्रकट करेंगे तो भगवान सारे इच्छा का पूर्ति करते हैं तो हम इच्छा ही प्रकट नहीं करेंगे फिर मंदिर आने पर हाथ उठा कर ही पूछ रहा है कि प्रभु जी मुझे मेरा बंधन से छुटकारा नहीं होता है बंधन से मुझे घर से छुटकारा नहीं होता है मैं समय पर नहीं आ पाता हूँ सेवा के लिए या और कौन किस कार्य के लिए हफ्ते में भी हम लोग अगर सेवा के लिए आते हैं तो फिर हमारा परिवार के साथ ही रहते हैं तो एक दिन तो छोड़ना चाहिए इतना बड़ा मिशन बनाए हैं जितना हो सके हम उनको सेवा करनी चाहिए उनका मिशन तो हम अगर ऐसा ही प्रयत्न करेंगे तो भगवान निश्चित तौर पर हमारा जो भौतिक बंधन है सारे बंधन से वो छुटकारा करा सकते हैं। हम स्टार्टिंग में पहले जब मंदिर आते थे तो कभी ऐसा सोचा था कि मैं सुबह जाऊंगा भावतम क्लास में अटेंड करूंगा या शाम को जाऊंगा गौरा आरती अटेंड करूंगा परंतु अभ्यास से करने पर भगवान से प्रार्थना कर पर धीरे धीरे भगवान वो व्यवस्था कर लेते हैं तो बिल्कुल साफ यहीं पे है कुंती महाराज यही कहते हैं कि मेरा यह बंधन कुछ आप काट दीजिए क्योंकि आप काटने में माहिर हैं तो हम भी भगवान से प्रार्थना करेंगे तो हमारा जितना भी भौतिक जो बंधन है वो हम छुटकारा पा सकते है यहाँ पे प्रभुपात मेंशन करते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र भी लोकानम हित तो कारिणे लोकों हित तो के लिए माता सीता देवी को भी उन्होंने वन में छोड़े थे है तो ये समझना चाहिए भगवान ये सब सारे शिक्षा देते हैं भगवान इसके लिए भगवत गीता में अंतिम स्टेटमेंट अर्जुन को देते हैं कि सर्वधर्मानु परि तेज्यो मामे एकम शरण बजाओ अहम तम सर्व पापे भी हो मुख्योश्या माँ सब कुछ धर्म को त्याग करके मेरी शरण में आओ अर्थात हमको जो शारीरिक धर्म हम लोग बना के रखा है मन की धर्म शरीर का धर्म समाज का धर्म ऐसा एक एक जो अलग अलग प्रकार का धर्म हम लोग ने बनाया है ये सारे धर्म को छोड़ करके मेरे पास आओगे तो भगवान निश्चित तौर पर रक्षा करेंगे ये भगवान कहते हैं फिर भी हमको संशय होता है तो हम बार बार कथा के अंतर्गत हम पूछते रहते हैं कि हमारा जो बंधन है छूटता नहीं है हम अगर छोड़ने का प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर छूट जाएगा ऐसा ही नहीं कि कोई बंधन छूटेगा नहीं तो एक बार ऐसा ही साधु था कि साधु का पास एक भक्त गया इसी प्रकार पूछा कि गुरु जी मेरा ये भौतिक बंधन छूटता नहीं है तो आप कुछ कीजिए तो ये भौतिक बंधन छूट जाएगी तो साधु बोला ठीक है रुको साधु थोड़ा ही दूर गया जैसा हमारे यहाँ पे भी पेड़ है तो पेड़ को ऐसा चिपक गए और चिपक के पकड़ लिए और ज़ोर जोर से चिल्लाने लग गया अरे पेड़ मुझे छोड़ दो मुझे छोड़ दो मुझे छोड़ दो तो जो गृहस्थ भक्त आया था तो हंसने लगा है कि ना और भी आप लोग जैसा बैठे थे ऐसा गुरु का भी कुछ चिल्ला थे वो लोग भी हंसने लगे अरे गुरु जी को क्या हो गया वो खुद जाके पकड़ लिए और बोलता है छोड़ो तो कैसा छूटेगा हाँ तो यहाँ से ज़ोर जोर से वो लोग चिल्लाने लग लगे कि गुरुदेव आप ही तो जाके पेड़ को पकड़ लिए है आप ही छोड़ोगे तो छूट जाएगा है कि नहीं तो फिर गुरुजी छोड़कर छोड़ करके आए और उनको समझाया कि यही तो मैं आपको समझाने जाया था गया था वहां पे पेड़ को पकड़ने के लिए हमको हम ही खुद संसार में फंसे हैं। कोई ब्रह्मा जी बोले थे हमको संसार में फंसने के लिए नहीं बोले थे हम खुद संसार में फंसते हैं और बोलते हैं कि यह संसार हमको छोड़ता नहीं है कैसा छोड़ेगा खुद को छुड़ाना पड़ेगा उसे, समय निकाल निकाल करके आ करके भगवान की सेवा करना पड़ेगा तभी ये संसार से हम ये भौतिक आसक्ति भौतिक बंधन से हम छुट पाएंगे कोई बाहर से लोग नहीं आएंगे आपको छुड़ाने के लिए आपको अगर बीमारी है तो दवाई आपको ही खाना पड़ेगा और कोई घर वाला खाएगा तो आपका बीमारी ठीक नहीं होगा होगा क्या होगा बालाजी प्रभु तो यहाँ पे वही कहा गया है कि जो बंधन है हम खुद बंधन में फंसे हुए हैं ठीक ना जैसा मकड़ी का जाल उदाहरण सब देते हैं मकड़ी का जाल में मकड़ी खुद फंस जाती है ना वैसा ही हम भी जो बंधन बनाया है सारे हम ही खुद फंस जाते हैं वहाँ पे और छूटने का रास्ता ही पता नहीं होती है तो उसमें फंस जाते हैं हम लोग तो इसके लिए कुंती महारानी जी का ये प्रार्थना का माध्यम से हम सबको एक सीख लेना चाहिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि वास्तविक अगर हम बंधन से छुटकारा पाना है तो भगवान का भगवान को प्रार्थना कीजिए भगवान का प्रार्थना और आपका कोशिश अगर जारी रहेगा तो ये भौतिक बंधन भवबंधन भी छूट जाएगी जैसा भगवान को प्राप्त के लिए हम लोग ने दामोदर अष्टकम में देखते हैं कि माता यशोदा का प्रयास रहता है और भगवान का कृपा होने से भगवान हमारा बस में बन जाते हैं वैसा ही हमारा प्रयास रहेगा इस भौतिक कलमस कष्ट से उधार पाना है भौतिक जगत का जो दुख है बंधन है उसके से छुटकारा पाना है और हम भगवान को प्रार्थना करेंगे अर्थात भगवान का कृपा हो जाएगी तो हम ये दोनों का माध्यम से इस भौतिक संसार का दुख से हम छूट सकते बंधन से छूट सकते इसके लिए विलम अलम ठाकुर श्री चौराग्य पुरुषाष्ट्र में कहते हैं आप सब बंधन को काट सकते हो तो इस बंधन को भी आप काट सकते हो वो कहते हैं छिन्न से घोर यम पास बंधम भिन्नस्ती भव पास बंधम सर्वश समस्त बंधम नेवात्मनम भक्त कृत तो ब्रजे प्रसिद नवनी नवनीत चोरम गोपाल चयदूल चोरम अनेक जन्मार्जित पापचोरम चौराग्य गण्य पुरुष नमा ये भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी पाशों का बंधन से आप मुक्त करा सकते हो तो यहाँ पे भी इस चीज को कुंती ने फिर बार बार वही दोहरा रहे हैं कि तीन शब्दों में भगवान को संबोधित करते हुए कुंती महाराज जी प्रार्थना करते हैं विश्व ईश्वर विश्व आत्मा और विश्वमूर्ति हे ब्रह्मांड के स्वामी विश्व ईश अर्थात हे ब्रह्मांड के स्वामी और विश्व आत्मा अर्थात ब्रह्मांड के आत्मा और हे विश्वमूर्ति मतलब हे विश्व रूप आप कृपा करके मेरी स्वजनों पांडव तथा वृष्टि के स्नेह का बंधन को आप काट दीजिए तो सभी भक्तों ने बार 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 यही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु आप ही सारे बंधन से हमको मुक्ति करा सकते हैं तो कृपया आप ही हमें इस बंधन से मुक्ति करा दीजिए देखो भागवत गीता में अर्जुन भी पहले क्या किये थे कि स्वजन का बंधन में मोह में ग्रस्त हो गए थे कि वो बोले कि नहीं मैं किसी को भी युद्ध में नहीं मारूंगा ये मेरा सखा है संबंध है वैसा ही बोले थे ना गीता पढ़ेगी नहीं हम लोग बराबर मुंडी भी नहीं हिलता है कि तो भगवान को अर्जुन ने वही बोला था कि मेरा सका है संबंध है और मैं उनको नहीं मारूंगा लेकिन भगवान का 45 मिनट का ज्ञान ने उनका बंधन को वो काट डाला है कि नहीं जब गीता अंतिम होता है तो अर्जुन कहते करिशम वचन तब है कि नहीं मैं आपका वचन का पालन करूंगा सब मेरा जो मोह था वो सब दूर हो गया तो वैसा ही हमारा जो भी मोह है इस भौतिक जगत का प्रति हमारा परिवार का प्रति वो मोह को अगर काटना है तो भगवान का संबंध में जुड़ेंगे तभी हम हमारा भौतिक बंधन को हम लोग काट सकते हैं अन्यथा इस बंधन को काटना अत्यंत दुर्लभ है देखो कोई ऐसा हमारे पास कोई मन में प्रश्न नहीं होगा प्रश्न अगर होगा भी तो उसका आंसर श्रीमद् गीता में भगवान दे दिए तो इसके लिए भगवान गीता में कहते हैं आप ये मत समझो मेरी माया को आप पार कर पाना अत्यंत कठिन है दैवी वैसा गुणमयी मम माया दुरतया अगर कोई पूछ लिया कि प्रभु मैं तो यहाँ पे मंगल आरती आता हूँ इसको सेवा करता हूँ उसको पार कर पाने के लिए कुछ उपाय है तो भगवान आगे लाइन में क्या कहते हैं मामे वो ये प्रपध्यंते अगर मेरी शरण में जो व्यक्ति आ जाएगा इस भौतिक जगत का माया से छुटकारा पा सकता है तो इसके लिए हम सभी को इस भौतिक बंधन से छुटकारा पाने के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए जैसा कुंती महारानी ने प्रार्थना की देखो अर्जुन ने भौतिक जो संबंध का नाता को तोड़ करके भगवान जुड़ गया तो क्या उनका कुछ अनिष्ट हुआ है आगे जाकर के युद्ध में जीत भी लिए और राज्य भी प्राप्त किए उनका यश भी बढ़ा ठीक है तो भगवान हम लोग भी ऐसा कृपा करेंगे जब हम उनका शरणागति होंगे ओ तो निश्चित तौर पर भगवान इस भौतिक जगत से हमको छुटकारा पा सकते हैं तो कुंती महारानी जी इस प्रकार प्रार्थना करते हैं कि जो विष्णु वंशी है और पांडव तथा तो वंश ये दोनों का जो मेरा संबंध है घनिष्ठ प्रेम संबंध है उस संबंध को मेरा छोड़ दीजिए मतलब काट दीजिए उनका तो भगवान मंद मंद मुस्कान मुस्कान करके और भी दो श्लोक में कुंती महाराज जैसा छब्बीस श्लोक में स्तुति की है तो उसके बाद कुछ देर भगवान वहाँ पे हसीनापुर में ही रुकते हैं फिर पितामह भीष्म का स्तुति आएगा बहुत ही हम लोग को सीखने लायक है महारानी कुंती का माध्यम से विशेष करके हमारा इस क्षेत्र का लोग के लिए क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे माताएं आते हैं तो माताएं ये कुंती महाराणी जी की स्तुति का माध्यम से हम भगवान से कैसा प्रार्थना करनी है वो सीखनी चाहिए और सीखेंगे तो हमारा जो भौतिक भवबंधन है हम बंधन से मुक्त हो सकते क्योंकि भगवान ऐसा लीला करते हैं कि आप समझ से परे हैं तो एक बार ऐसा होता है भगवान कृष्ण और अर्जुन कहीं घूमने जाते हैं तो जाते जाते एक जंगल में एक माता बूढ़ी माता के पास जाते हैं और वहाँ पे थोड़ा सा विश्राम लेते हैं क्योंकि काफ़ी दूर जंगल में चला जाते हैं तो दोनों को थोड़ा विश्राम करना होता है तो भगवान ने वहाँ जा कर के विश्राम करते हैं और जुन भी साथ में हैं तो माता के घर में जाते हैं तो माता के पास एक गाय रहता है तो गाय का दूध उनको पिलाते हैं तो दूध वगैरह पी करके थोड़ा विश्राम करके फिर आते हैं तो जैसे ही बाहर आते हैं तो अर्जुन का मन में शंका होती है प्रश्न होता है कि प्रभु हम तो उनसे कुछ ग्रहण किए लेकिन उनको फिर से कुछ देना चाहिए तो अर्जुन ने जैसा भगवान से पूछा कि प्रभु आपको कुछ देना चाहिए था आप कल आ गए मैं भी चला आया तो उनको कुछ दिया नहीं है रिटर्न गिफ्ट ऐसा ना आजकल बर्थडे में जाते हैं तो रिटर्न गिफ्ट देते हैं तो हम लोग कुछ लिए तो जैसा कि पेन भी लिखने के लिए लाते हैं तो थैंक यू बोलते है कि नहीं तो वैसा तो देना चाहिए आप तो कुछ दिए नहीं तो अर्जुन ने जैसे ही भगवान से पूछा तो भगवान ने बोले मैंने दिया मैं उनको दे दिया तो भला अरे मेरे को पता नहीं आपने क्या दिया आप बता दीजिए क्या दिए तो उन्होंने कहा कि उनका पास जो गाय है वो दो दिन के बाद मर जाएगी जिस गाय का दूध पिया हम लोग ने वो गाय मर जाएंगे तो अर्जुन फिर हक्का बक्का हो गया हमको अगर कोई बोल दिया ऐसा तो फिर हम भी हो जाएंगे तो अर्जुन बोला ऐसा कैसा आप उनको बरदान दिए कि कुछ अभिशाप दिए कि वो गाय मर जाएगा अरे गाय का वजह से वो उनका जो जीविका निर्वाह हो रहा है तो ऐसे ही गाय को मार देंगे तो भगवान ने उनको समझाने लगे कि देखो वो जो बुढ़िया है उनका थोड़ी दिन में मृत्यु होने वाली है और फिलहाल अभी वो गाय का प्रति आसक्ति है ठीक है अगर वो मृत्यु होगा तो भगवान क्या कहते हैं अंतकाले चो मामे वो, है कि नहीं तो उनका अगर स्मरण गाय अगर हो गया तो नेक्स्ट जन्म में उनको फिर गाय धारण करना पड़े इसके लिए उनका आसक्ति को पहले मैं कट किया है यहाँ पे जैसे महाराणी कुंती भी कहते हैं उनका जो आसक्ति है उसको मैं कट किया अगर थोड़ी दिन के बाद दो दिन के बाद गाय मर जाएगी उसके बाद उनका प्रति आसक्ति धीरे धीरे छूट जाएगी और मेरे में आसक्ति लगेगी तो मेरे पास आएगा तो मैं उसके लिए अच्छा किया कि नहीं तो भगवान भी ऐसा हमारा भौतिक बंधन को काट सकते हैं जब हम भगवान का शरणागति हो या सेवा करें तब बिना सेवा का आसक्ति छूटे ऐसा कभी संभव नहीं है भले तुम कितना भी ज्ञान तुम्हारा पास हो तुम पढ़ लिए है ठीक है सब कुछ किया हो लेकिन अगर तुम सेवा नहीं करेंगे तो सेवा का माध्यम से ही तुम्हारा आसक्ति कटेगी क्योंकि किसमें तुम एंगेज होगे, तभी तो वो छुटका रहोगा ना और तुम्हारे पास ज्ञान होते हुए भी अगर तुम सेवा में नहीं रहोगे तुम्हारा आसक्ति कभी नहीं कटेगा और बढ़ते जाएगी ठीक है दो घर चार घर छः घर और परिवार बढ़ेंगे तो फिर आसक्ति उसमें ही उलझ जाएंगे हम लोग तो बहुत सुंदर श्लोक है हम सभी के लिए सीखने लायक योग्य है कि महारानी कुंती महारानी प्रार्थना करते भगवान को कि मेरे जो इस दोनों वंशज का जो आसक्ति स्नेह को मेरा कट कीजिए और मैं मेरा जो मति है आपके चरण में सदा सर्बदा रहे ये भगवान से प्रार्थना करते हैं तो ऐसा अनेक हम लोग ने देखा है लोग तो बुजुर्ग होते हैं खाली कहते हैं मेरा आसक्ति छुड़ गया अभी कुछ नहीं है सब कुछ है तो एक बार ऐसे ही घटना होता है तो कन में एक छोटा सा भक्त मंदिर में आ जाते हैं छोटा सा मतलब पढ़ाई करके मंदिर में आ जाते हैं तो कुछ दिन रहने लगते हैं तो घर लोग उनको ढूंढते रहते हैं कि अरे कहाँ गया किधर गया क्या तो फिर लोग कहते हैं यारे तो मंदिर जाता था आप जाओ थोड़ा मंदिर में जाके पूछताछ करो तो उनका दादाजी दो चार लोग को लेकर के आते हैं पूछते हैं मंदिर में किधर है मेरा पोता को बुलाओ ऐसा तो पोता आता है प्रणाम करते हैं प्रेसिडेंट को भी बुला लेते हैं ऐसा बीच में ऐसा पी रूम में जाकर बातचीत होती है उनसे तो बोलते हैं नहीं नहीं तुम इतना छोटे बच्चे को क्यों तुम मंदिर लेते हो तो प्रेसिडेंट महाशय उनको समझाए कि देखो वो स्व इच्छा से भगवान की सेवा के लिए आए हम कोई किसी को ज़बरदस्ती नहीं करते हैं तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं हम उनको लेके जाएंगे तो बोले आप जाइए उनको पूछिए अगर वो जाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप जाइएगा अगर उससे से सेवा करना चाहता तो करे तो पोता को पूछा गया भाई आप दादाजी आए यहाँ पे सब इतना जोर हंगामा कर रहे हैं तो आप समझाइए नहीं तो आप जा सकते हो तो पोता ने दादाजी को बताया कि नहीं मैं भगवान की सेवा करना चाहता तो दादा ने बोले इतना उम्र में आप सेवा करोगे तो प्रश्न साहब ने बोले ठीक है तो फिर आप आ जाइए उनको घर पे जाने दीजिए। <laughs> तो ओ दादा ने बोला ठीक है मैं घर पे पूछ के आता हूँ देखो कितना आसक्ति है साठ सत्तर साल का व्यक्ति आशक्ति घर का आसक्ति नहीं छोड़ता है। बड़े बड़े-बड़े बातें यहाँ पे ना बहुत जन ऐसा भी है बोलने के लिए माहिर है सब जाएंगे जाएँगे नरे तुम ऐसा तिलक क्यों करते हो तुम ऐसा लगाना चाहिए सीधा लगाना चाहिए टेढ़ा लगाना चाहिए आपको ऐसा नहीं करना चाहिए लेकिन आपको बोलो एक दिन आओ मंदिर में थोड़ा झाड़ू पोछा करो तो बोले कि नहीं हमारे पास टन तो दादा जी गए घर पर पूछे फिर न एक दिन आके बोलते नहीं ठीक है पोता ही ठीक है मैं घर पर तो मतलब क्या वो आसक्ति से मुक्त नहीं है तो इसके लिए हमारे पास ज्ञान रहते हुए भी हम अगर भगवान के सेवा नहीं करेंगे तो आसक्ति से मुक्त नहीं होंगे तो महारानी कुंती जी यहाँ पे प्रार्थना रहे भगवान को कि हे कृष्णा मेरी जो मति है आपके ही शरण में रहो अन्य और किस में ना रहे और मेरा जो ये बंधन है वो काट दीजिए ये सभी भक्तों को भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए केवल राधा माधव मतलब राधा माधव और कोई देवी देवता नहीं है आज कई सारा भक्तों का घर में कुछ देवी देवता का पूजा भी हो रहा है यहाँ पे रह रहा है मंदिर में भी रह रहा है चित्ता तिलक कंठी दीक्षा भी है लेकिन संपूर्ण शरणागति नहीं है ठीक है कोई देवी देवता प्रणाम करो आदर करो किसी से मना नहीं है परंतु जो उपासना उपासक है केवल भगवान से होनी चाहिए ये एक शुद्ध भक्त का लक्षण है और यहाँ तक कि हमारा गुरुजन कहते हैं जो सती का मति होता है केवल ओनली फॉर कृष्ण राधा कृष्ण का इसमें ही हमको मति लगाना चाहिए अन्य किसमें नहीं सभी देवता को प्रणाम करो देवी देवता हो चाहे कोई भी वरिष्ठ भक्त हो वैष्णव हो प्रणाम करो लेकिन हमारा जो मती है सती नारी का मती जिस प्रकार उनका पति का अलावा और दूसरे में नहीं लगता है वैसे ही एक वैष्णव को भक्तों को उनका आराध्य देव राधा कृष्ण में ही मति लगना चाहिए और अन्य में नहीं ठीक है तो बहुत बहुत धन्यवाद कोई प्रश्न होगा टिप्पणी होगा तो आप लोग बता सकते हो हम तो कुछ प्रयास नहीं किए थे कल कौस्तुवर प्रभु ने हमको कहा तो बोले ठीक है कोई बात नहीं तो आप सबको धन्यवाद अपने बड़ी उत्साह के साथ इस कथा को ध्यान से श्रवण किए और मैं चाहता हूँ इस प्रकार जिस प्रकार माता कुंती ने प्रार्थना की हम भी भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारा भी मति जो है आपकी ही चरण कमल में रहे अन्य और कोई ना रहे और जितना भी भौतिक बंधन है आप कृपया आप भी काट दीजिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम, राम। ग्रंथराज भागवतम की शील प्रपाद की राग। राग। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं ठीक है